सो हे पोके आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल यार गाइस। तो आज का वीडियो बहुत ही ऑसम अमेजिंग दमदार होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दोस्तों आज का टॉपिक भी ऐश के ऊपर है, और दोस्तों आज का टॉपिक ऐश के पोकेमॉन्स पे तो नहीं है, बल्कि आज का टॉपिक है ऐश के राइवल्स के ऊपर। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में, या फिर कहूँ आज के इस वीडियो में, हम लोग करने वाले टॉप 5 ऐश के राइवल्स का, जो कि होने वाले सारे रीजन्स के जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 7 तक, जो कि है अलोला रीजन। जी हाँ, तो इन्हें मैं रैंक करने वाला हूँ एज़ पर बैटल्स और एज़ पर मतलब कैसा रिलेशनशिप रहा है वो लोग का, उस तरह से मैं इनको रैंक करने वाला हूँ। तो अगर मैंने कहीं पे गलत प्लेसमेंट, गलत रैंकिंग की, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और दोस्तों, और तुम्हारे क्या थॉट्स है इस टॉपिक के ऊपर, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो, चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोग को मिले। तो यार, बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 पे जो ऐश का राइवल है वो मैंने रखा हुआ है ग्लैडियन को। जी हाँ, ग्लैडियन, जो कि अभी अलोला रीजन का उसका राइवल था। तो यार, मैंने ग्लैडियन को क्यों रखा इस लिस्ट के नंबर 5 पोजीशन पे, वो मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ। दोस्तों, ग्लैडियन को इसलिए रखा क्योंकि यार उसके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, और मतलब फ्रेंडली टाइप राइवल था ऐश का। और दोस्तों, इसका एंड अप बैटल भी बहुत ही अमेजिंग हुआ, जैसे कि होना था, यानी जो लास्ट का बैटल था, जो कि दोनों लाइक एंड रॉक के बीच में था, वैसे मतलब देखो, जब से ये दोनों मिले थे तब ऐश वाज रॉक रफ था, तो उसके साथ उसका लाइक एंड रॉक भिड़ा था, तो एंड में भी वही हुआ, तो लाइक एंड रॉक और लाइक एंड रॉक भिड़े। तो मतलब कह सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, और मतलब जो एक राइवल्स, जो कि दोनों राइवल्स में, दोनों पोकेमॉन ट्रेनर या फिर दोनों एक राइवल्स के बीच में होना चाहिए, तो ये वो एक परफेक्ट बॉन्ड है जो मैं कह सकता हूँ कि होना ही चाहिए ऐसा कुछ। मतलब एक फ्रेंडली राइवल भी एक राइवल जैसा ही होता है, तो इसलिए मैंने ग्लैडियन को इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन दी है। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 पे मैंने जिस राइवल को पोजीशन दी है, वो ऐश का राइवल रह चुका है लगभग दो रीजन्स का। जी हाँ, कैंटो और जोटो। जी हाँ, और ऑरेंज आइलैंड्स भी गिन लेना। ओके, तो जी हाँ, तुम लोग सही हो, मैंने गैरी को रखा है नंबर 4 की स्पॉट पे, क्योंकि यार गैरी उसका फर्स्ट एवर राइवल है, और जी हाँ, उसके ज़िंदगी का पहला राइवल, और उसे तो इस लिस्ट में होना ही चाहिए था। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मतलब मैंने गैरी को, अगर वो उसका पहला राइवल है, तो उसे नंबर 4 की ही स्पॉट क्यों दी। दोस्तों क्या है कि ऐश और गैरी बाद में एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और गैरी जो है बाद में एक पोकेमॉन ट्रेनर छोड़ के वो एक पोकेमॉन साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर बनने की राह पे निकल जाता है ऐश उसके प्रोफेसर ओक जैसे। तो इसलिए मैंने उसको नंबर 4 की स्पॉट दी है इसी वजह से। तो अगर गैरी आगे भी एक पोकेमॉन ट्रेनर बनता है ना, तो वो ज़रूर नंबर 1 की स्पॉट डिजर्व करता, और तुम गैरी को तो जानते ही हो यार, उसको और ऐश को कहीं पे भी सामने लाओ यार, दोनों भिड़ जाएंगे एक दूसरे से। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, ऐश का चैरिज़ॉर्ड और आयरस का ड्रैगनाइट, पता ना पहली बार मिले थे वो दोनों पोकेमॉन तो कैसे भिड़ चुके थे एक दूसरे से, वैसे ही। तो इसलिए मैंने गैरी को नंबर 4 का स्पॉट दिया हुआ है, एंड आई गेस ये उसके लिए डिजर्विंग स्पॉट भी है। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पे आता है ऐश का शिनो रीजन का राइवल, जो कि है पॉल। दोस्तों, तो पॉल को इस लिस्ट में होना ही चाहिए था, क्योंकि पॉल ने ऐश को एक तरह से बहुत मोटिवेट किया है, उसके पोकेमॉन्स ने ऐश के पोकेमॉन्स को एक तरह से बहुत मोटिवेट किया है, और ऐश को पॉल के सामने जीतना भी था, क्योंकि उसे प्रूफ करना था कि पॉल का छोड़ा हुआ चिमचार
इन्फर्निप बनके कितना स्ट्रॉन्ग है और उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसे छोड़ के। दोस्तों पॉल एक ऐसा राइवल है जो कि मतलब एकदम शुरुआत से ही राइवल है और अब तक राइवल ही रहा है। मतलब इनकेस अगर वो कभी मिला तब भी राइवल ही रहेगा। वो एकदम वो आई गेस वो गैरी के टाइप का मतलब एकदम अकड़ू बंदा है, बट वो गैरी से भी अपर लेवल का अकड़ू बंदा है। इतना मैं भी कह सकता हूँ कि वो बहुत अकड़ू है यार, उसमें अकड़ बहुत है। तो ऐश ने उसकी अकड़ निकाल दी थी शिनो रीजन के एपिसोड्स में जो कि थी लीग बैटल्स में। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यार पॉल को नंबर थर्ड की स्पॉट पे होना तो डिज़र्व बनता है क्योंकि वो बहुत ही अकड़ू है। तो उसका रिलेशन ऐश के साथ भी बहुत ही अमेजिंग रहा है क्योंकि देखो ऐश के मतलब मैंने जितने एपिसोड्स देखे यार उसके बोल बते पे बता रहा हूँ मैं कि पॉल का जो टॉर्टर है उसने ऐश के ग्रॉटल की हेल्प की थी ऐसा ही कुछ। फिर चिमचार ने प्रूफ करके दिखाया कि पॉल को कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है इन्फिनिट बन के ऐसा सब यार। तो इसी वजह से पॉल इस लिस्ट में नंबर फोर्थ थर्ड की स्पॉट ज़रूर डिजर्व करता है। नंबर थर्ड, दोस्तों नंबर थर्ड पे वो पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि आता है कैरलॉस रीजन से। जी हाँ अलान नहीं है, अलान नंबर टू के स्पॉट पे नहीं है। तब तुम लोग सोचोगे अलान नहीं है तो कौन, तो जी हाँ तो इस पे है सॉयर। दोस्तों सॉयर को मैं इस लिस्ट में ऐसे इसलिए रखा हूँ क्योंकि देखो सॉयर एक तरह से उसका राइवल भी है, एक तरह से उसका मतलब कह सकते हो यार एक तरह से उसका फ्रेंड है और एक तरह से वो ऐश को अपना टीचर भी मानता था। तो उसको राइवलरी में होना बनता है क्योंकि वो जब भी ट्रेनिंग करता था वो यही सोच के करता था कि मैं को ऐश को हराना है किसी भी हालत में। तो जी हाँ अगर ये तुम्हारे माइंडसेट में है तो तुम ज़रूर ही बखूबी तुम एक राइवल बनते हो एक अलग पोकेमॉन ट्रेनर के। तो इसलिए मैंने सॉयर को इस लिस्ट में नंबर टू के स्पॉट पे रखा है क्योंकि बंदे ने इतनी ट्रेनिंग की है और इतना अच्छा ट्रेनिंग करके उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ऐश के सामने। जब भी वो उसे मिलता था यानी भले वो एकदम स्टार्टिंग वाला बैटल जो कि ना हो जो कि स्केप्टाइल और ग्रेनिंजा में हुआ था और फिर जो लास्ट वाला बैटल था जो कि कैरलॉस रीजन का था जो कि स्केप्टाइल मेगा स्केप्टाइल और ऐश ग्रेनिंजा के साथ हुआ था वो भी क्यों ना हो, बट एक बैटल होता है और गाइस दोनों का बैटल बहुत ही अमेजिंग था। और दोस्तों ये लोग का जो ये मास्टर और स्टूडेंट वाला जो भी चीज़ है और जो राइवलरी है उनको सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सॉयर को इस लिस्ट में नंबर टू की स्पॉट रखी है और मुझे लगता है कि तुम लोग को भी पसंद आया होगा नंबर टू के स्पॉट पे सॉयर को। सो दोस्तों जो नंबर वन के स्पॉट पे जो पोकेमॉन ट्रेनर है जो तुम्हें तो पता ही होगा कौन है वो है अलान। दोस्तों यार अलान को नंबर वन की स्पॉट पे इसलिए रखा यार क्योंकि अलान और ऐश का जो बैटल हुआ है ना यार उससे बेहतरीन बैटल यार उससे घमासान बैटल मैंने आज तक मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा यार। पोकेमॉन के पूरे सारे जितने भी एपिसोड जितने भी रीजन्स मैंने देखे लगभग सभी देखे यार अब तक तो कभी नहीं ऐसे बैटल हुआ यार जो फाइनल में बैटल हुआ था ऐश वर्सेस अलान के बीच में। इट वॉज एन एपिक बैटल यार। तो मुझे तो रखना ही था अलान को नंबर वन के स्पॉट पे और मैं तो सबको मतलब सबके मन में यही होगा यार जब तुम लोग ने वीडियो पे क्लिक किया होगा तो मन में यही होगा यार अलान ही होगा नंबर वन के स्पॉट पे क्योंकि यार अलान बहुत डिजर्व करता है और वो भी एक तरह से फ्रेंडली राइवल है ऐश का और एस गैरी और ग्लैडियन जैसा। तो इट्स वेल एंड गुड यार जो उसके चार्जर ने परफॉर्मेंस दिया है ऐश ग्रेनिंजा के सामने और ऐश ग्रेनिंजा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसका दोनों पोकेमॉन से 100% दिया था। तो यार ये बेस्ट एवर राइवलरी मैं कह सकता हूँ ऐश और अलान की। तो इसी वजह से मैंने अलान को नंबर वन की स्पॉट दी है। सो पोकेआर्मी होप से तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आज का ये टॉपिक भी जो कि है टॉप 5 राइवल्स ऑफ ऐश केचम। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें आज का ये वीडियो कैसा लगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर
बताना है तुम्हारे टॉपिक्स बताना यार कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। अगर मेरे को टॉपिक अच्छा लगा तो यार मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो यार ये जो भी मैं रिसेंटली वीडियोस बना रहा हूँ ये तुम्हारे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया था कि मुझे टॉपिक्स बताओ, तो यार ये उन्हीं टॉपिक्स में से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो ज़रूर कमेंट करके बताना तुम्हें कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि है पोकेवेक्स, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, बाजू वाली घंटे को दबाओ ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन तुम लोग को जल्द से जल्द मिल पाए। एज आई अपलोड द वीडियो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आज के वीडियो का लाइक हम रखते 100 लाइक्स का, होप से तुम लोग लाइकिंग को ज़रूर कंप्लीट करोगे। तो यार मिलता है तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।